ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो जिसमें पहला पॉइंट ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर, जिसको ये स्ट्रक्चर याद हुआ उसे पूरा चैप्टर याद है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको टोटल इन्हीं के बारे में पढ़ना है। द्रव्य क्या होता है, कितने भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, उसके कितने भाग होते हैं वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम द्रव्य की, जो मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि द्रव्य क्या होता है। देखिए, द्रव्य पदार्थ दोनों एक ही होता है, ये याद रखिएगा। इसमें कन्फ्यूजन, बहुत लोग आते कन्फ्यूजन में कि पदार्थ क्या होता है, आप सोचेंगे पदार्थ कुछ और होता होगा और द्रव्य कुछ और, नहीं, पदार्थ द्रव्य दोनों एक ही है। पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो क्या करता है, स्थान घेरता है। पदार्थ वह होता है जिसमें क्या होता है, भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। स्थान घेरने का मतलब आता है ना आपको, मतलब जिस सतह से वो लगा हुआ है उस सतह पे कोई दूसरी वस्तु नहीं लग सकती, वो क्या कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है। मतलब वो संपर्क तल, जिस संपर्क तल से वो लगा हुआ है वहां पे किसी वस्तु, दूसरी वस्तु को नहीं रखा जा सके, उसके ऊपर रखा जा सके, लेकिन जिस जगह पे वो रखा हुआ है वहां पे आप किसी वस्तु को नहीं रख सकते, तो वो क्या है, उसका संपर्क तल है, या स्थान घेरने का मतलब है। ठीक है, तो भार तो आप समझ ही गए, वजन की बात कर रहे हैं। तो जिस वस्तु का कुछ ना कुछ भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चाहे कुछ भी, केवल सूर्य के प्रकाश की बात कर दे तो सूर्य का प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जिसमें जो क्या है, पदार्थ नहीं है, जो द्रव्य नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक एक पदार्थ की, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, वह पदार्थ शुद्ध का मतलब क्या है, जैसे कैसे पहचानेंगे कि कोई पदार्थ क्या है, शुद्ध है ना। आपके हमारे हमारे वातावरण में बहुत से ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो क्या होते हैं, कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वो शुद्ध भी है, कैसे, हम क्या क्वालिटी होती है, जैसे आप मुझे पहचानते हो, मुझे जानते हो क्योंकि आपने बार बार मुझे देखा हुआ है, मेरी क्वालिटी को आपने देखा, वो सज्जे इतने बड़े हैं, है ना, गोल मटोल से, जैसे भी याद करते हो कि कुछ, हर आदमी की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है भाई, आप किसी ना किसी बेस पर किसी को याद ही करते हो, है कि नहीं। तो वैसे ही शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अमन क्या कर रहे हो, आवाज जितनी कम करोगे उतना तुम लोगों के लिए प्रॉफिट है। फिलहाल शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो एक समान, मतलब हर जगह वो एक ही जैसा रहता है, जो एक समान, मतलब एक समान कणों से मिलकर बना। कण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से होते, एक होता है अणु, एक होता है परमाणु, जानते होंगे आप ये तो, है ना, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। कण दो होते हैं, या तो अणु होगा या तो परमाणु, अणु बड़ा होता होगा, परमाणु क्या होता होगा, छोटा होता होगा, अभी हमने इसके बारे में काफी चर्चा की ना। तो अणु वह होता है, याद करिएगा इसको, ये याद करने वाली चीजें हैं क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अणु क्या होता है, अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जैसे भाई सबके घर एक ऐसा लड़का होता है जो फ्री होता है, कौड़ोते रही हो, कोई भंडारा हो, सब वो खाने जाता है, जाता कि नहीं जाता, वो फ्री वाला लड़का है, तो वो सभी अभिक्रियाओं में भाग लेता है। वैसे ही क्या होता है, देखिए जब अभिक्रिया होगी तो किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के छोटे से छोटे भाग से अभिक्रिया होगी, ना कि बड़े भाग से, समझ रहे, बड़े बड़े भाग से अभिक्रिया कराने के लिए उसे छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा। अरे भाई अब सोचिए, अगर घर आपका बनाना हो, जो ईंट, जहाँ से आप ईंट लेके आते हो, वो बड़ा सा चट्टा लगा के नहीं रखता, अब वो पूरा चट्टा वो उठा के ला के दीवार बनाई जाए तो बनेगा, कब तक बनेगा, नहीं ना, उसके एक एक भाग से एक ईंट उठाया रखा, एक ईंट करके कई ईंट जोड़ के क्या किया गया, घर बनाया जाता है, समझ रहे बात को ना, वही बात कर रहा हूँ। तो जब भी अभिक्रिया होगी तुम लोग बाज नहीं आओगे, नहीं मानना है, है कि नहीं। तो समझिए होता क्या है, तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो होगा वही अभिक्रिया करेगा, कोई भी काम करना होगा छोटा से छोटा भाग ही करेगा। तो आप कहेंगे अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है लेकिन किसी भी, जब भी आप कभी भी कोई अभिक्रिया करेंगे तो उसमें कहीं आपको अणु नहीं मिलेगा, हमेशा कौन मिलेगा आपको, परमाणु मिलेगा। क्या मिलेगा, परमाणु। आप सुनते ना, परमाणुओं की संख्या इतनी है, परमाणु इतना है, परमाणु क्रमांक ये है, कभी आपने सुना है अणुओं की संख्या इतनी है, है ना। वो जब आप वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं, तब आपको अणु की संख्या की जरूरत पड़ती है, कि जब भी अभिक्रिया की बात आएगी वहां पे आपको क्या मिलेगा, परमाणु मिलेगा। तो याद रखिएगा कि अणु किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, रहता फ्री है,
स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। क्लियर है यहां तक? तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो एक समान के एक समान कणों से मिलकर बना हुआ है, वह पदार्थ जो केवल एक समान कणों से मिलकर बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। अब वही दूसरी बात कर लेंगे शुद्ध पदार्थ की, तो वह पदार्थ जो कई कणों से मिलकर बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, या उसे मिश्रण भी कहा जाता है। फिलहाल तो शुद्ध पदार्थ को समझने के लिए उसके दोनों भागों को, उसके अंदर जो भाग आते हैं उनको समझ जाएंगे। तत्व, तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना। इसके पहले आपने पढ़ा था, इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था कि जो शुद्ध पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बाबू, शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। और कण में कौन कौन आते हैं? अणु आते हैं और कौन आते हैं? परमाणु आते हैं। ये याद रखिएगा, कण के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है अणु, एक होता है परमाणु। हमने पढ़ा था कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक समान कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। नकल कर लो बेटा, नकल कर लो। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, कभी छिपाए नहीं छिपते। समझ रहे हैं? आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, फिलहाल समझिए। तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो एक समान कणों से मिलकर बना होता है। जब कण की बात आएगी तो उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, तुरंत हमारे जहन में यह फीड होना चाहिए। कण की बात आ गई तो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, लेकिन अणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, तो डेफिनेटली कौन होगा? परमाणु होगा। ये क्लियर है ना? हमेशा कौन आएगा अभिक्रिया में? कौन आएगा? परमाणु आएगा, क्योंकि अणु किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो बात करेंगे शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो एक समान कणों से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अगर तत्व की बात कर दे तो वह पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी? पानी की। तो पानी क्या है? तत्व है, तत्व है। तत्व कैसे पहचानेंगे? जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होगा। आप अपने घर से पानी लेके आओ, एक लैब का पानी लेके आओ, पोखरी का पानी लेके आओ, नाले का लेके आओ, समुद्र का पानी लेके आओ, जब भी उसका फार्मूला बनेगा तो उसके फार्मूले में क्या होगा? H2O। हाइड्रोजन के कितने अणु होंगे? दो। और ऑक्सीजन का कितना होगा? एक। देखे ये H2, ये जो 2 रहता है इसका गुणा हमेशा तिर्यक होता है। ये मैं बताया हूं ना, अगर H2O लिखा है तो ये 2 किसका है? यच का है, ये तिर्यक होगा। यहाँ जिसके कुछ नहीं होता उसके क्या होता है? एक होता है। एक ऑक्सीजन तो है ही ना, एक है ना, ये तो एक लिखने की जरूरत होती नहीं, इसे एक माना ही जाता है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? 2। और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 1। पानी जब कहीं भी चाहे वो किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, जब भी वो एक समान परमाणु से, वो 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु के मिलने से ही बनेगा, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो। पॉइंट समझ में आ गया? फिर से समझिए, तत्व हम कैसे पहचानेंगे? तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? एक समान परमाणुओं से मिलकर बनने का मतलब क्या होता है? कि चाहे वो कहीं से भी लाया जाए, चाहे वो कहीं से भी लाया जाए उसकी, जैसे सोना की बात कर लो, केवल पानी ही नहीं, सोना। अब जो सिंगापुर का सोना होगा वो कुछ अलग होगा, जो दुबई का सोना होगा वो कुछ अलग होगा, नहीं ना। सोना हमेशा प्रकृति में एक ही अवस्था में पाया जाता है। जैसे सोना हमारे यहाँ पाया जाता है वैसे ही सोना दुबई में भी पाया जाता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। करामात तो ये सोनार करते हैं, कांड ये करते हैं, ये तांबा मिलाते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। ये करामात सभी सोनार करते हैं। मिलावट, हर चीज में मिलावट है भाई, है ना मिलावट। तो ये मिलावट कर देते हैं जिसकी वजह से शुद्ध नहीं होता। लेकिन जो सोना, एक्चुअल का सोना जो मिलता है वो जैसा हमारे यहाँ मिलेगा वैसा दुबई में, वैसा ऑस्ट्रेलिया में। जैसा पानी हमारे यहाँ मिलेगा, हमारे यहाँ पानी में क्या क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो दुबई में पानी में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होगा? नहीं, वहां पर भी हाइड्रोजन ही और ऑक्सीजन ही होगा। तो आप कहेंगे कि तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है। इसमें तत्व चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाए गए हो, इसमें कोई वस्तु चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाई गई हो, उसके परमाणुओं की संख्या सदैव समान होगी। मतलब वो जिस भी विधि द्वारा, पानी चाहे किसी भी, चाहे लैब में कोई बनाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करके आप पानी बनाएंगे, तो फिर भी कितने अणु चाहिए? हाइड्रोजन के 2 अणु चाहिए, ऑक्सीजन के 1 अणु चाहिए, तभी जाके पानी बनेगा, अन्यथा किसी भी विधि द्वारा पानी नहीं बन सकता। समझ गए बात को? मतलब ये दिमाग को फिट करिए
कि तत्व क्या होता है, एक समान परमाणु से मिलकर बनने का मतलब कि वो किसी भी विधि द्वारा बनाया जाएगा। आपको ये याद रखना होगा, फार्मूला याद रखना होगा कि हाइड्रोजन का फार्मूला क्या, पानी का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, H2O। पानी जब भी मिलेगा तो दो हाइड्रोजन के अणु होंगे, एक ऑक्सीजन के, और इसके अलावा किसी भी विधि द्वारा पानी नहीं बना। आपका पसीना है उसमें थोड़ा सा ये आपकी स्किन से नमक निकलता है ना, पसीना कभी आया मुंह में, आया है? आप कहेंगे नहीं, अरे यार आप किसान के लड़के, आया है ना मुंह में, कैसा लगता है, लगता है ना नमकीन जैसा, क्योंकि आपकी स्किन, पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे नमक नहीं है। दीवार चाट के देखो कैसा लगेगा, नमक जैसा। हाथ चाट के देखो, नमक जैसा। अब ये बेंच, अपना टेबल चाट के देखिए, नमक जैसा। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, पूछा जाता है कि सर समुद्र में नमक आता कहाँ से, कभी आया दिमाग में? हम साइंस वाले हैं, हमारे दिमाग में हमेशा खुरापात ही आना चाहिए, क्यों? देखिए होता क्या है कि जैसे ये जम, ये क्या है, मैं बताया ना कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जहाँ पे नमक की मात्रा नहीं पाई जाती हो, समझ रहे हैं? कोई ऐसी वस्तु नहीं जहाँ नमक की मात्रा नहीं पाई जाए। अब बारिश होगी, ठीक है, समझिए। अब देखो ये बात मान लेते हैं, ये समुद्र है, ठीक है। अब ये अगल बगल हम लोग बसे पड़े हैं, ये ग्रहु कतवारु फेकू पवारु सब बसे पड़े हैं, ठीक है। अब आपके घर से बारिश होगी तो कहाँ जाती है बारिश का पानी, कहाँ जमीन से होके जाता है, किसी नाले में जाएगा, किसी पोखरी में जाएगा। तो जमीन के, जमीन पे गया तो नम, जमीन पे पान क्या पाया, तो मैं बताया ना कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नमक ना पाया जाता हो। तो जमीन, मिट्टी खाए हैं बचपन में, क्यों खाते थे, नमकीन लगती थी, मजा आता था, फर्स्ट कला, दूध पीते पीते उब गए थे, अब नमकीन मारेंगे, है कि नहीं? और वही लड़के जाके आगे चांदनी वाली नमकीन गायब करते हैं, डिब्बे गायब कर देते हैं फिलहाल। तो अब भाई ये आपका समुद्र हो गया, इसके अगल बगल ज्यादा मात्रा है। अब नमक, भाई बारिश हुई, हमारे घर पे बारिश हुई, पानी बह के गया है ना, घर के सामने से बह के गया, पोखरी में गया, पोखरी में भी नमक की मात्रा, उसके अंदर कोई जीव है उसमें भी नमक की मात्रा, वो बह के कहाँ गया, नदी में गया, नदी में भी नमक की मात्रा। अरे भाई सब पूरे गाँव का कचरा बह के कहाँ गया, नदी में गया, गया कि नहीं गया? अब नदी में गया तो नदी बह के कहाँ गई, नदी बह के कहाँ गई, दूसरी नदी में जुड़ी, दूसरी नदी जाके कहाँ मिली, खाड़ी में गिरी। हाँ सब नमक अलग अलग जगह का नमक, अब एक नदी में, जैसे मेरा गांव, मेरे गांव का पानी गया नदी में, परसा का पानी नदी में है ना, फलाना का पानी नदी में, ढिकाना का पानी नदी में, हर जगह का पानी कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है। अब नदी में जाते जाते कहीं बहुत सारे नमक कहाँ जा रहे हैं, नदी में, कहाँ जा रहे हैं, नदी में, और नदी जाके कहाँ गिर रही है, खाड़ी में, और खाड़ी जाके कहाँ गिर रही है, खाड़ी, खाड़ी किससे जुड़ी हुई है, समुद्र से, और खाड़ी का सारा पानी कहाँ चला गया, समुद्र में। तो सभी जगह का नमक कहाँ पहुँच गया, समुद्र में, और हम अपना नमक ले जाके कहाँ गिरा दिए, समुद्र में। अब समुद्र अपना नमक कहाँ गिराए, है कोई व्यवस्था उसके लिए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, इसकी वजह से समुद्र में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो नदी का पानी होगा वो भी नमकीन जैसा होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें नमक का पानी कम है, नमक की मात्रा कम है। क्यों कम है, क्योंकि वो कुछ जगह से वो लेके आया, लेकिन समुद्र में पूरी दुनिया का कचरा वही समुद्र में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, समझ रहे हैं? तो वो अपने नमक को कहीं और छोड़ नहीं पाता, इसकी वजह से समुद्र में क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फल्ले पड़ गया ये चीज़, तो ये तो बता ही देगी नमक समुद्र में काहे आता है। फिलहाल तो तत्व समझ गए, तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है। एक समान परमाणु का मतलब उसमें जब भी परमाणुओं की संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, चाहे वो किसी जगह बनाया गया हो, किसी विधि से बनाया गया हो, ठीक है। बात चले आगे, बात करते हैं यौगिक की। जिस प्रकार से तत्व एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता था, वैसे ही यौगिक दो या दो से अधिक, इसमें एकदम याद रखिएगा, इसमें कितने परमाणु हो सकते हैं, अधिकतम तत्व में कितने, दो हो सकते हैं, लेकिन यौगिक में कितने होंगे, दो या दो से अधिक। समझ रहे हैं बात को, आपसे कोई पूछेगा यौगिक किसे कहते हैं, तो कहेंगे यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। पूछेगा कि पानी एक यौगिक है, बिल्कुल है, पानी क्या है, देखिए पानी तत्व भी है और पानी यौगिक भी है। पूछेगा सिद्ध कीजिए कि पानी यौगिक है, तुरंत बताएंगे यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, यौगिक कहलाएगा। तो पानी में एक परमाणु और दो परमाणु, तो यौगिक की परिभाषा दो या दो से अधिक परमाणु, समझ रहे हैं ना, दो या दो से अधिक परमाणु, क्या हुआ बहनी, है ना,
परमाणु क्या सॉरी यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये याद हो गया, बस इतना ही बेसिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा पॉइंट गलत हो गया, इसको आप यौगिक में रखिएगा, ठीक है, पानी को, ठीक है। तत्व में केवल जैसे तत्व में उसको रखिएगा जो एक तत्व, कहने का मतलब जैसे जैसे सोना कर दिया, चांदी कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, कार्बन है ना, नाइट्रोजन, इनको आप रखिएगा जो मतलब हर जगह पे। उदाहरण मैंने सही दिया हुआ, परिभाषा में थोड़ी सी गलती है। गलती क्या है कि तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है, कहने का मतलब वो जो जाइए ना, जो हर जगह पे एक ही जैसा पाया, जैसे सोना मैंने बताया ना, सोना हमारे यहाँ ऐसा है तो दूसरे देश में भी वैसा ही पाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो तत्व होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है। पानी को आप यौगिक में कीजिएगा क्योंकि इसमें दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणु पाए जाएं, वो एक समान परमाणु, एक परमाणु हो गया तो वो तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही परमाणु की आवश्यकता है। इसमें दो परमाणु है तो यह हाइड्रो, यह किस में जाएगा? यह यौगिक में, ये पानी तत्व में नहीं आएगा। तत्व में याद रखिएगा हाइड्रोजन एक तत्व भाई, कोई एक पेरियाडिक टेबल आपने पूरा देखा हुआ है, 118 जो है वो टोटल क्या है? तत्व है। तो तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? तत्व है। जिनको कहीं से भी लाएंगे वो वैसे ही दिखेंगे जैसे हमारे यहाँ वैसे उनके यहाँ, ठीक है। यौगिक जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, जिसके बारे में हमने काफी चर्चा कर ली। बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की, ठीक है। मिश्रण भाई जिसमें कई सारी चीजें आपस में मिली हुई हों, जैसे तत्व में क्या था? एक समान परमाणु, पता था कि भाई ये जैसे पानी यौगिक है, इसमें पता था कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है? पानी है। लेकिन अब आगे बात कर ले, तय ना हो, अशुद्ध मात्रा में कई सारी चीजें जिसमें मिली हुई हों, उसे मिश्रण कहते हैं। भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी मात्रा में या आपस में मिले हुए होते तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हमें गांव में जैसे कहते हैं खिचड़ी है, तो खिचड़ी में क्या होता है? दुई वाले लड़के बैठे, तीनों वाले बैठे, चारों वाले बैठे, कुल में बैठे, तो ये क्या है? पूरे स्कूल का मिश्रण है कि नहीं? मतलब जिसमें कई सारी चीजें एक साथ रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण, ठीक है। चलिए अब मिश्रण दो प्रकार का, मिश्रण क्या होता है? दो प्रकार का, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ये समझिए, बहुत अच्छा है, बहुत, ये तो कक्षा 8 और 8 का है लेकिन उसको आराम से समझ जाए, कुछ लोग इसमें डाउट रखते हैं। समांगी, समांग, ठीक है, समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एकदम भोजपुरी में समझे, एकदम ठेठ में नाप तोल के मिलाया जाए, एकदम नाप के मिलाया जाए कि इतना आदमी है, इतना खाना बनेगा तो सब खा लेंगे, नाप तोल के। जैसे शरबत बनाया जाता तो चीनी कितनी डालनी है जानते होंगे, नींबू कितना, एक नींबू डालू कि चार नींबू डालू, नमक कितना डालना है, पानी कितना डालना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में, तय मात्रा में नाप तोल के मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी मात्रा में मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। भाई शरबत बनाने के लिए जैसे खाना बनाते हैं तो नमक कितना डाला जाता है, सब्जी में नमक क्या करते हैं, एक पैकेट लाते हैं डाल देते हैं, कोई मात्रा नहीं, तो वो क्या है? वो कौन सा मिश्रण हुआ, समांगी की विषमांगी? भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ को नाप के मिलाएंगे, आपको मालूम है इतना नमक डालेंगे सब्जी में हो जाएगा, तो वो कौन सा मिश्रण? वो कौन सा? समांगी। जब नाप तोल के निश्चित मात्रा में, तय मात्रा में डाला जाए तो वो समांगी मिश्रण। वैसे ही जैसे मन करे वैसे उठाया डाल दिया, वो क्या है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं धातु की, ठीक है। इनके गुण मैं आपको बता दूंगा जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा। धातु क्या होती है? धातु किसी चीज को कैसे आप पहचानोगे कि ये धातु है? पहली क्वालिटी, पहला गुण इसका क्या होता है? धातु वह होती है, पहली पहचान, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। जो धातु होगी वो बहुत कठोर होगी, ठोस अवस्था में पाई जाएगी, पारा को छोड़ के, ठीक है। पारा धातु होती है लेकिन वो क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप कहेंगे कि जो धातु होती है वो सामान्यतः कैसी होती है? कठोर होती है, केवल पारा Hg को छोड़कर, यह याद रखिएगा, पारा को छोड़ के बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया धातु। धातु वह होती है, परिभाषा बता देता हूं पहले, फिर। धातु वह होती है जो पीटने पे फैलती है,
ठीक है। आघात वर्धनीयता जिसको बोला जाता, फैलती है, चमकती है, आवाज करती है। आवाज तो फिलहाल हम भी करेंगे पीटने पे, है कि नहीं? नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे। धातु को तो आराम से मारेंगे, तब वो उतना चिल्ला जितना आराम से मारेंगे। हमारे यहाँ कुछ लड़के ऐसे होते हैं, उनको अगर एक तमाचा यहाँ मारोगे रास्ते भर कम रोते जाएंगे, जैसे जैसे घर के करीब होंगे वो स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे मम्मी को देख लिया और स्पीड होती जाती है, वो चार्ज होते हैं, होता कि नहीं होता है? जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे। तो धातु में क्या होती है, अब गुण समझिए। पहला गुण क्या हमने बताया भाई, कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, केवल किसको छोड़ के, HG पारा को छोड़ के बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। दूसरा पॉइंट, सभी धातुएं पीटने पर फैलती है। किसी भी धातु को आप पीटेंगे, जितना जोर जोर से पीटेंगे उतना फैलेगी। लोहा पीटते हैं, गड़ासा वड़ासा बनाते जाते, खुरपी भी पिटवाने कहाँ जाते हैं, इतनी बड़ी खुरपी रहती, पीट पीट के इतनी लंबी कर देगा, और लंबी करवाना चाहे तो मोड़ मोड़ के लंबी करता चला जाएगा। क्यों कर रहा, पीटने पे वो क्या हो रही है, फैल रही, जितना पीटेंगे, हालांकि वो पतली होती चली जाएगी लेकिन लंबाई में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो धातु में क्या होती है, कठोर होती है, पारा को छोड़ के पीटने पे फैलती है, जिसको आघात वर्धनीयता बोला जाता है। ठीक है, दूसरा, पीटने पे आवाज करती है। धातु को जितना जोर जोर से पीटेंगे उतना जोर जोर से आवाज करेगी। ये धातु के लक्षण हैं, उसके गुण हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं धातु के बारे में, अभी धातु के बारे में। अब देखिए धातु की सबसे जरूरी, हर धातु की अपनी एक विशेष चमक होती है, हर धातु एक अलग रंग से चमकती है। ऐसा नहीं कि लोहा जैसा चमकता है, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है। अब कहेंगे लोहा चांदी जैसा चमके, चांदी लोहे जैसा चमके, है ना, सोना चमके चांदी जैसा, ऐसा नहीं। हर धातु की अपनी क्या होती है, एक चमक होती है। क्या होती है, हर धातु की अपनी एक विशेष चमक होती है, जिसकी वजह से उसे जाना जाता है। सो नहीं कहते हर चमकने वाली चीज क्या नहीं होती, सोना नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो सोने जैसा चमक रही है, हालांकि वो सोना नहीं है, समझ रहे ना? तो इनकी पहचान होती है कि हर धातु की अपनी एक स्पेशल, अपनी एक विशेष चमक होती है, जिसकी वजह से उन्हें जाना जाता है। पीली चीज को देख लिया, ये सोना है, क्या किस बेस पे हम कहते हैं, उसके चमक की बेस पे। ठीक है, तो हर धातु की अपनी क्या होती है, एक स्पेशल चमक होती है, एक विशेष चमक होती है, जिसे हम उसके गुण में कहते हैं। आगे बात करते हैं, सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक का मतलब, सु का मतलब अच्छा, चालक का मतलब जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जिसके माध्यम से जाती है उसे चालक बोला जाता है। अरे गाड़ी जो लेके जाता है ड्राइवर, वो क्या है, चालक है ना? गाड़ी तो बनी हुई है, गाड़ी बड़ी बनी बनाई फॉर्च्यूनर रखी पड़ी है, कौन चलाएगा उसे, चालक ना हम है ना, चालक रहेगा तभी तो लेके जाएगा। तो वही चीज है, जब कोई वस्तु दूसरे स्थान पे जाती जिसके माध्यम से जाती उसे चालक बोलते हैं। तो कुचालक, सॉरी सुचालक की बात हम कर रहे हैं। सुचालक क्या होता है, हाँ बोल लो बोल लो, तकलीफ रहे तो बोल दिया करो। सुचालक का मतलब क्या होता है, सु का मतलब अच्छा चालक। जिससे आप कहेंगे सुचालक की बात करेंगे तो कहेंगे ऐसा चालक या ऐसा माध्यम जिससे होकर उष्मा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। खाना बनाते हैं, कभी खाना बनाते हैं ना, कलछुल जो जिसको कलछुल बोल जाता है, अब उसको क्या कहते हैं, वो कढ़ाई में छोड़ देते हैं, एक हिस्सा गर्म होता है, दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है, अपने आप गर्म हो जाता है। लकड़ी, एक हिस्सा आग में रहता है, पिछला वाला हिस्सा गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता। तो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि भाई वो उष्मा के क्या है, क्या है, लकड़ी कुचालक है, लोहा वो जो स्टील होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि उसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली आती है। उस विधि को पढ़ेंगे, उसके बारे में विकिरण संवहन, ठीक है, ये विधियों को हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल बात समझते हैं। तो धातु के बारे में समझ में आ गया, वो सुचालक समझ में आ गया, जिस वह चालक या वह वस्तु जिससे होकर उष्मा का चालन या उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चली जाए वो क्या कहलाएगी, सुचालक कहलाएगी। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल होती है वो भी उष्मा का सुचालक करेगी। नहीं भरोसा है, आज लाइट आएगी, छील के दोनों तरफ लगा के टच करिए, हमारी साइंस वाले हम प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आज करिएगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, अभी अभी किया जा रहा है, अभी प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, आप लोग ये करना चाहिए, हम साइंस वाले हैं, हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एक टीचर का काम होता है गाइडलाइन देना, बाकी फिलहाल चलिए ठीक है। आ धातु की बात करते हैं, देखिए टीचर क्या होता है, टीचर एक सड़क है, टीचर क्या है, एक सड़क है, जो अपने तो वहीं रहता है लेकिन जो उसके साथ रहते हैं ना उनको वो दूर तक पहुंचा देता है। आपके घर कोई अगर मेहमान आता है या रास्ते में आप जा रहे हो तो कोई पूछता भैया कि ये फलाना जगह आजमगढ़ जाना, तो आप क्या बताते हो, चलो छोड़ा ही लिवा के जाते हैं,
है कि नहीं, आप छोड़ने जाते हैं नहीं ना जाते हैं, तो वही बात है। केवल मैं केवल क्या कर सकता हूँ, एक टीचर क्या कर सकता है, केवल आपको बता सकता है, बाकी आपको करना है ना करना है एज यू विश, जो आपकी इच्छा करे, समझ। आगे बात करते हैं अधातु की। धातु समझ में आ गया बाबू, बस इसका जस्ट अपोजिट आप अधातु में लगा देंगे, ठीक है। अधातु ये पीटने पे आवाज करती है तो अधातु पीटने पे आवाज नहीं करेगी, धातु पीटने पे फैलेगी तो अधातु पीटने पर नहीं फैलेगी, ठीक है। धातु में क्या होती थी, कठोर होती थी तो अधातु में मुलायम होंगी, ठीक है, समझ रहे हैं। और उनकी धातुओं की अपनी चमक होती है, अधातुओं की अपनी कोई चमक नहीं होगी, है कि नहीं। ये धातु उष्मा की क्या थी, सुचालक थी, और कहाँ गया भैया, अधातु उष्मा की क्या होगी, कुचालक। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, चलिए आगे बात करते हैं उपधातु की। उपधातु क्या होता है तो आगे हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको अपभव का नियम पढ़ाऊंगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताऊंगा तो उपधातु को कैसे पहचानेंगे। तो उपधातु क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी दे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर ले उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। धातु के उदाहरण तो आप बता ही दोगे ना, धातु किसे कहते हैं जो पीटने पर आवाज करे, लोहा, ये क्या है, पीतल क्या है, चांदी क्या है, सोना क्या है, धातु है। अधातु लकड़ी, बता ही देंगे नहीं बता देंगे, ये लकड़ी क्या है, अधातु है, है कि नहीं है, है। कागज क्या है, अब भाई सबसे आसान तरीका, जो उष्मा को एक जिस भोजपुरी में समझो, जिसमें से होके लाइट ना गुजर पाए, आग लगाए एक सिरे में लगाए दूसरा सिरा ना चले, वो क्या है, अधातु है, समझ रहे हैं ना बात को। तो कहने का मतलब है वे वस्तुएं जो उष्मा का क्या नहीं कर पाती, उष्मा का चालन नहीं कर पाती, जिनसे होके उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती, वो अधातु है, उन्हें कुचालक बोला जाता है। लेकिन वो लक्षण किसके हैं, अधातु के। तो अधातु वह होती है जो उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, अधातुओं से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कतई नहीं जाती, ठीक है। बात कर रहे हैं हम उपधातु की, तो जो एक जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सके और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सके उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है। जिसमें कहने का मतलब है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, ठीक है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, और जो दोनों ग्रहण भी कर सके और त्याग भी, ठीक है, जो ग्रहण भी कर सके त्याग भी सके, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले भी सके इलेक्ट्रॉन दे भी सके, है ना, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, आप लोग बहुत जल्दी तुम लोग परेशान हो जाते हो, है ना। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सके और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, इसे अर्ध धातु मतलब आधी धातु भी कहा जाता है। उपधातु को अर्ध धातु मतलब आधे लक्षण धातु के और आधे लक्षण किसे किसके होते हैं, एकदम बेसिक याद करिएगा कि उपधातु वह होती है जिस जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती है, जिस जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सके या इलेक्ट्रॉन त्याग भी सके उसे क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। इसे अर्ध धातु के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ दे अर्ध धातु किसे कहते हैं तो तुरंत दिमाग में रहना चाहिए अर्ध धातु का मतलब आधा धातु होगी, आधा क्या होगी, अधातु होगी, तो उसे अर्ध धातु कहा जाएगा। इसका एंटीमनी होता है, बोरान होता है, ये सब किसमें आते हैं, ये किसमें आते हैं, अर्ध धातु में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक किसी को, चले आगे बात करते बाबू। विलयन क्या होता है, विलयन देखिए, विलयन के भाग समझ जाएंगे, विलयन क्या होता है। तो हम घर पे शरबत बनाते हैं, तो शरबत जो हमारा है वो क्या है, एक विलयन है। शरबत क्या है, एक विलयन है। नहीं बनाते हैं शरबत अपना वाला, हम लोगों का कोका कोला घर वाला, हालांकि बहुत लोगों को नहीं पसंद है, नींबू डालने के बाद नहीं पीते, लेकिन पीना चाहिए स्वास्थ्य से। हम कोका कोला एक्चुअल में जानते हैं, कोका कोला पीना, ये आपने उनको देखा है, क्या नाम है, नाम नहीं, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उस बंदे ने केवल कोका कोला की दो बोतल हटा दी थी, कंपनी का करोड़ों को लग गया, एकदम चपाट लग गई केवल बोतल हटाने के चक्कर में, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है, वो जानते हैं एक्चुअल में होता क्या, केवल वो कार्बोनेट का पानी होता है, वो जैसे ही आपके आपके शरीर में जाता है, आपको थोड़ी सी ठंडक, ठंडा पीने के बाद आता भी है, आता है कि नहीं आता, वो गवाली गर्म वाली गैस जब आपके लीवर में जाती है ना, तो वो क्या वहाँ जाके वो गैस बनती है और वो आपके डकार के रूप में शरीर से बाहर आती है, काम नहीं करेगी जब तक डकार नहीं आएगी, और वो कुछ पल के लिए ठंडा करती है, वो नुकसान भी करती है आपके लीवर को, समझ रहे हैं। तो नींबू पानी पीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है, कोका कोला के चक्कर में ना पड़ो, ये सब कुछ पल के लिए केवल खुशी देते हैं भाई, नहीं कहते वो क्या बोलते हैं, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चार दिन का कोका कोला फिर पैसा ना है, कभी कभार होता ना पैसा, कुछ कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको कुछ खान, हाँ जाओ
जिनको फुल्की खाने का बहुत शौक होता है, और बगल से फुल्की वाला जाता है 10 रुपया रहता है तो मार एकदम वो पैसा कूदता है, वो जेब में पैसा कूद रहा है भैया कि खा लो खा लो खा लो खा लो, और जिस दिन पैसा नहीं रहता फुल्की वाला गुजर जाए देखो चले जाएंगे, चले चले जाते पैसे में ना क्या करेंगे, जब ये नहीं है। अच्छा अगर वो बंदा रोक के भी पूछे भाई नहीं खाना है, नहीं ना मना नहीं कहता, माही मना नहीं पैसा बना है, ये बताओ अपनी 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 बेइज्जती हो रही है ना, नहीं बताते तो हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करना अच्छी चीज़ है। विलेन की बात हम कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, विलेन की। तो विलेन क्या होता है, विलेन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय एक होता है विलायक, दोनों समझ जाएंगे, विलेन अपने आप आ जाना है। जो वस्तु मात्रा में अधिक होती है, वह पदार्थ जो मात्रा में अधिक होता है वो क्या होता है, विलायक, और जो वस्तु मात्रा में कम होती है, एकदम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जो वस्तु मात्रा में कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय। शरबत बनाते हैं, ज़्यादा पानी रहता कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा पानी होता है तो पानी क्या है, विलायक। दुनिया में सबसे ज़्यादा विलायक का काम कौन करता है, पानी करता है, ये याद रखिएगा। दुनिया में सबसे चीज सबसे ज़्यादा हर चीज़ में, कोका कोला किससे बना, पानी से, किससे बना भाई, आपके घर सब्जी बनती किससे बनी, पानी से। चावल ज़्यादा था कि पानी ज़्यादा था, जब चावल बना था तो पानी ज़्यादा था, चावल कहाँ ज़्यादा डाला गया था, है ना, क्या था, है कि आटा, आटा को रोटी बनाते हैं ना उसमें भी तो पानी, मतलब हर जगह विलायक का काम कौन करता है, पानी करता है, ज़्यादातर ज़्यादातर जगहों पर विलायक का काम कौन कर रहा है भाई, पानी कर रहा है। तो आप तुरंत कहिएगा कि किसी विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है। तो विलेय क्या होता है, विलेय, ठीक है, विलयन समझ जाओ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ की या किसी नए चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं और अस्तित्व दोनों का रहता है, ठीक है, और एक नया पदार्थ बना देते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, याद रखिएगा कि विलेय और विलायक दोनों मिलके किसको बनाते हैं, विलयन को बनाते हैं, लेकिन इन दोनों के लक्षण इसमें नहीं पाए जाते, एक नई चीज बनती है। चीनी पानी मिक्स किया, अब ना पानी लग रहा है ना वो केवल चीनी लग रहा है, लग रहा है, आता नहीं ना। तो विलयन वह होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है और एक ऐसा पदार्थ बनता है। अब मेंडल के नियम में चले जाएंगे कि दो या जब दो विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच मिलाते हैं तो एक नया लक्षण बनता है, तो वो भैया जीव विज्ञान था और ये केमिस्ट्री है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि विलयन वह होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, तो जो पदार्थ नया वाला पदार्थ बनता है उसमें होता क्या है, उसमें यह होता है कि उसमें दोनों के गुण तो होते हैं लेकिन प्रकट एक को नहीं होता, कोई भी लक्षण किसी का भी प्रकट नहीं होता, बल्कि एक नया स्वाद, एक नया नई चीज का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, एक नई चीज बना देते हैं वो। जैसे चीनी क्या है, विलेय, मैं विलेय बता देता हूँ, विलयन समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ को बनाते हैं और जिस पदार्थ को बनाते हैं उसमें ना विलेय की मात्रा रहती है ना विलायक की। अब बात करते हैं विलेय क्या होता है, विलेय मात्रा में कम होता है, वह पदार्थ जो विलायक में मिल जाता है, घुल जाता है, संगलित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। जैसे शरबत बनाने में विलायक कौन होगा, पानी होगा, जो मात्रा में ज्यादा होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। तो शरबत बनाने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी है, तो पानी क्या होगा, विलायक होगा। विलेय जो मात्रा में कम होता है तो चीनी डाला जाता है उसमें, तो चीनी क्या है, चीनी क्या है, विलेय है। याद रखिएगा कि विलायक का अस्तित्व बना रहता है, विलायक जब तक विलयन रहेगा तब तक रहेगा भाई, विलयन जब तक शरबत पी नहीं लिया जाए तब तक पानी की मात्रा खत्म होगी, लेकिन चीनी की मात्रा, चीनी हालांकि शरबत में है लेकिन दिखाई दे रही है नहीं, उसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। चीनी खत्म नहीं होती लेकिन उसका अस्तित्व वो दिखाई नहीं दे रही भाई। अब शादी में न्योता सबको दिया गया, सब पहुंचे हैं, सब पहुंचे हैं, अब तुम भी पहुंचे लेकिन मरे हुए पहुंचे हो, तुम्हारी आत्मा गई तो कोई देख रहा है कि कौन गया है, दिखाई जो देगा उसी को तो हम अस्तित्व में मानेंगे, है कि नहीं। आप घर बैठे हो वीडियो कॉलिंग से पहुंचे हो तो कौन जान रहा है वीडियो कॉलिंग से गए, है कि नहीं। तो मतलब ये जो अस्तित्व में है, तो याद रखिएगा कि विलेय का अस्तित्व विलयन में नहीं होता, विलायक का अस्तित्व हमेशा बना रहता है विलयन में। शरबत बनाया, पानी बचा हुआ कि नहीं, शरबत जो बन गया वो पानी की, पानी के रूप में ही तो है, तो वो क्या है, उसमें पानी बचा हुआ तो, लेकिन चीनी नहीं बची हुई है। तो विलेय, याद रखिएगा कि विलेय क्या होता है, विलेय मात्रा में कम होते हैं लेकिन समाप्त हो जाते हैं, विलायक मात्रा में अधिक होते हैं लेकिन बने रहते हैं।
अब बात करते हैं विलेय क्या होता है, विलायक। तो विलायक का अस्तित्व मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है भाई नहीं। फिर से देख लो, विलयन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाए और किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति हो, लेकिन जिस पदार्थ की उत्पत्ति हो उसमें क्या होता है, एक नए चीज का, जैसे मैंने बताया एक नई वस्तु का निर्माण होता है, और जिस वस्तु का निर्माण होता है वो दोनों के लक्षण को, ना विलेय के लक्षण को प्रकट होने देता है ना विलायक के लक्षण को प्रकट होने देता है, मतलब एक नया स्वाद बना देता है, एक नया रंग बना देता है, ठीक है, समझ रहे ना बात को। फिर विलेय क्या होता है, जो मात्रा में कम होता है और अस्तित्व जिसका समाप्त हो जाता है, विलायक जो मात्रा में अधिक होता है लेकिन अस्तित्व समाप्त नहीं होता, क्लियर है। चले इसके बाद ये बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से।